दोस्तों कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। जो कंगना मोदी भक्ति करते नहीं थकती थी, और तो और कहीं हिंदू तो कहीं मुस्लिम, कहीं किसान आंदोलन पर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, अपनी भक्ति साबित करती रहती थी और ऐसे तमाम बयान देके जो समाज को काटते हैं। लेकिन अब वही अंधभक्तों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि उनकी फिल्म तबाह हो गई है। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों कंगना रनौत की एक मूवी आई है धाकड़, जिसका लोगों ने बहिष्कार कर दिया है और ये फिल्म देश की सबसे गिरी हुई फिल्म में अपना नाम दर्ज करा लिया है। धाकड़ ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अभिनेत्री कंगना रनौत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देश में करीब 2200 स्क्रीन पर रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की रिलीज तक आते आते लागत करीब 85 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमानित फिल्म ट्रेड ने लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कंगना ने इस फिल्म के लिए करीब 20 करोड़ रुपए फीस ली थी, लेकिन फिल्म की जैसे पहले दिन की ओपनिंग है उससे ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी हीरोइन की फीस भी निकाल नहीं पाएंगे। फिल्म का सीधा मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भूल भुलैया 2 से है, जिसने हिंदी फिल्मों के मामले में साल की सबसे बड़ी ओपनिंग ले ली है। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1,05,000 के टिकट बिके हैं, वो भी 2 दिन में। लेकिन अगर भूल भुलैया 2 की बात की जाए तो उसके टिकट ज्यादा बिके हैं और 2 दिन में लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। दोस्तों अगर भूल भुलैया को धाकड़ मूवी से कंपेयर करते हैं तो दूर दूर तक ये मूवी कहीं भी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली फिल्म है, ऐसी कई फिल्में हैं जो लगातार कंगना की फ्लॉप होती नजर आई हैं। जिस तरह से मोदी जी की बताई गई स्कीम फ्लॉप हुई है, वैसे ही कंगना की मूवी भी फ्लॉप होती नजर आई है। 2021 में थलाई भी आई, वो भी इतना कमाई नहीं कर पाई थी। अब लोग सोशल मीडिया पर कंगना का मजाक उड़ा रहे हैं। दिलीप मंडल ने लिखा, कंगना रनौत की थलाई भी 100 करोड़ में बनी, 4.75 करोड़ कमाकर हाफ गई। धाकड़ की बजट 85 करोड़ है, ये फिल्म 4 करोड़ के आसपास तक रुक जाएगी। माता जी एक के बाद एक दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूल चाट रही हैं। खेल खत्म, पैसा हजम, करेक्शन है, अभी 2-4 फिल्में मिलेंगी। वहीं उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, मैं आज नर्क गया था, कुछ अर्जेंट काम था, मैंने देखा कि यमदूत 5 लोगों को ले जा रहा है, मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने बताया कि इन लोगों ने कंगना मैडम की धाकड़ मूवी नहीं देखी है, ऐसे लोगों को सरसों के तेल में फ्राई किया जाएगा, फौरन देख लीजिए, रिस्क लेना ठीक नहीं है। दोस्तों जिस तरह से ये मोदी जी की अंधभक्ति करती हैं, शायद आज उसी का नतीजा है ये, जिसकी वजह से उनकी फिल्म में लोग अब बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।